सीबीआई को अगर जांच करनी थी इतने वर्षों तक सीबीआई कहां थी, किस प्रलोभन में और किनके गुप्त समझौते पर आज तक सीबीआई ने कार्रवाई नहीं की, क्या नीतीश जी और लालू जी का लगभग सरकार बनाना तय हो गया, जो नहीं चाहते थे लालू यादव नीतीश कुमार एक हो, लालू नीतीश कुमार जी की सरकार का निर्णय एक साथ आना सीबीआई इंक्वायरी के रेट का सबसे बड़ा कारण, और आगे इससे भी खतरनाक सीबीआई की इस्तेमाल हो। मेरा सवाल कि सीबीआई को अगर जांच करनी थी इतने वर्षों तक सीबीआई कहां थी, इसके पीछे क्या कारण, किस प्रलोभन में और किनके गुप्त समझौते पर आज तक सीबीआई ने कार्रवाई नहीं की, इसका मतलब कहीं ना कहीं गुप्त प्रलोभन थे, सांठगांठ था और सीबीआई ने कार्रवाई नहीं की, इसके पीछे कंप्लीट सरकार थी। क्या नीतीश जी और लालू जी का लगभग सरकार बनाना तय हो गया, कौन है दोनों तरफ विभीषण, एक विभीषण वो जो भारत छोड़ के कहीं गायब हो गए, एक विभीषण वो जो नीतीश जी के आस्तीन के सांप हो गए जो केंद्र सरकार में है, ये दोनों विभीषण जो नहीं चाहते थे लालू यादव नीतीश कुमार एक हो, लालू नीतीश कुमार जी की सरकार का निर्णय एक साथ आना सीबीआई इंक्वायरी के रेट का सबसे बड़ा कारण, ये आप समझ लें, मतलब अब सीबीआई तोता नहीं रह गई, सीबीआई गिद्ध बन गई, गिद्ध सब कुछ प्लान में, और अब तो ये ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार जी भी टारगेटेड हो चुके हैं और नीतीश कुमार जी को भी बीजेपी नहीं बख्शेगी। तो बहुत क्लियर है कि सीबीआई रेड के पीछे सिर्फ नीतीश और लालू यादव जी का सरकार बनाने का निर्णय, एक साथ आने का निर्णय, और इतने दिनों के बाद सीबीआई जिस समझौते के कारण दूर थी, सीबीआई ने उस समझौते को गिद्ध दृष्टि के तरह सरकार इस्तेमाल किया, और आगे इससे भी खतरनाक सीबीआई की इस्तेमाल होगी।